भारत विकास परिषद डीसा मुख्य शाखा द्वारा गुरुवंदन ऑनलाइन वक्तृत्व स्पर्धा आयोजन कर मुख्य उद्देश्य भूलाती जती गुरु शिष्य की परंपरा विद्यार्थियों में उजागर थाय हेतु थी आ कार्यक्रम कर आ कार्यक्रम डीसा तालुकाना दरेक विद्यार्थियों माटे ओपन केटेगरी प्रोग्राम हतो। डीसा तालुकानो कोईपण विद्यार्थी भाग लई शके ते माटे गूगल फॉर्मनी टेक्नोलॉजीनो उपयोग करवामां आव्यो हतो, जे अंतर्गत घणा विद्यार्थीओए पोताना ऑनलाइन विडियो पोस्ट कर्यो हतो। आ कार्यक्रममां प्राथमिक अने माध्यमिक तेम बे केटेगरी राखवामां आवेल हती, जेमां प्राथमिक केटेगरीमां आश्रय व्रजेश कुमार सोनी अने माध्यमिक केटेगरीमां श्यामा व्रजेश कुमार सोनीए प्रथम क्रमांक हासिल करेल। आ भाई बहेनी जोड़ीए प्रथम क्रमांक हासिल करेल, जे दर्शावे छे के तेओने पोतानी प्रतिभा साथे तेओना परिवार पण शिक्षण प्रत्ये सतत एमनी पड़खे उभा रही तेमनामां ज्ञाननो संचय करावे छे, जेथी आ भाई बहेनी जोड़ीए बंने विभागमां प्रथम क्रमांक हासिल कर्यो छे। आश्रय सोनीए अगौ तालुका जिल्ला तेमज राज्य लेवलनी स्पर्धामां पण प्रथम क्रमांक हासिल करेलो छे। उपरांत तेणे कलेक्टर धारासभ्यना हस्ते इनाम पण प्राप्त करेला छे। श्यामा सोनीए पण रोटरी क्लबनी स्पर्धा, कला महाकुंभ, भारत विकास परिषदनी स्पर्धाओमां पण तालुका लेवले प्रथम आवेल छे, अने आ बंने भाई बहेन हंमेशा कંઈક નવું શીખવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે, પોતાનું જ્ઞાન બીજા બાળકોને પણ આપી બીજાને પણ પ્રોત્સાહિત કરતા હોય છે। તો આવો જાણીએ આ બંને વિદ્યાર્થીઓની પ્રતિક્રિયા। નમસ્કાર, ભારત વિકાસ પરિષદ ડીસા મુખ્ય શાખા ગુરુવંદન ઓનલાઈન કોમ્પિટિશન મેં જો રિઝલ્ટ આયા થા ઉસમે મેરા ફર્સ્ટ ક્રમાંક આયા, और आज मैं अपने आप को बेहद ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उस चीज़ में प्रथम क्रमांक आया जिसे साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम जैसे भगवान ने भी जिसे साथ रखकर इस पृथ्वी को ज्ञान बांटा था, वो है गुरु का ज्ञान। गुका रस्तवंद कारस्तु रूका रस्तेज उज्जते अंधकारम निरोधवात गुरु रित्यम निभीयते। गुकार यानी अंधकार और रूकार यानी तेज, जो हमें अज्ञानता के अंधकार से रोककर ज्ञान के तेज की तरफ ले जाता है, वास्तव में वही सच्चा गुरु कहलाता है। एक गुरु ही तो है जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है, और वे ही जीवन को ऊर्जामय बनाते हैं। इसीलिए कहा है, द वर्शिपिंग द फीट ऑफ गुरु इज अ अल्टीमेट ऑफ ऑल वर्शिप्स। भारतीय संस्कृति में और जीवन विकास में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है, क्योंकि गुरु बिना न ही आत्मदर्शन होता है और न ही परमात्मा दर्शन। गुरु भवसागर को पार कराने में नाविक का दायित्व निभाते हैं। गुरु इज अ शिवा सेंस इज अ थ्री आईज, विष्णु सेंस इज अ फोर आर्म्स, ब्रह्मा सेंस इज अ फोर हेड्स। ही इज अ गॉड शिवा हिमसेल्फ इन ह्यूमन फॉर्म, एंड व्हेन डिसिपल फाइंड ट्रू गुरु यू कैन कॉन्कर हाफ द वर्ल्ड। इसीलिए कहा है, जब हम अपने गुरु जी की आज्ञा अनुसार उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो अज्ञानता के अंधकार से दूर अस्तित्व के प्रकाश के साथ चलते हैं, और हम अपने जीवन की सभी समस्याओं को पीछे छोड़ जीवन के एक अद्भुत अनुभव की तरफ आगे बढ़ते हैं। एज यू वॉक विद योर गुरु यू वॉक इन द लाइट ऑफ एग्जिस्टेंस। Away from the darkness of ignorance, you leave behind all problems of your life and move towards the peak experience of your life. और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि चरण दूर नीच सिर धसे शरण गुरु की होय, तीन लोक की संपदा सहज में गुरु दे, ज्ञान भक्ति गुरु से मिले मिले न दूजी ठोर, या ते गुरु गोविंद भज होकर प्रेम विभोर होकर प्रेम विभव। नमस्कार, मैं श्यामा व्रजेश कुमार सोनी, आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे उस चीज़ में मेरा प्रथम नंबर आया है जिसके बगैर कोई भी इंसान अधूरा है। जो जीवन तो जी सकता है मगर अपने उच्च मुकाम तक नहीं पहुँच पाता, वो है गुरु का ज्ञान। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिष्य के जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। गुरु जो भी आज्ञा करते हैं और जो शिष्य उसे अक्षर से निभाता है, वही शिष्य इस सृष्टि में परिवर्तन का कारण बनता है। इसीलिए गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना गया है, क्योंकि भगवान हमें जीवन प्रदान करते हैं
और गुरु हमें सही शिक्षा देकर इस जीवन को ढंग से जीना सिखाते हैं। इसीलिए जो भी शिष्य गुरु के मार्गदर्शन पर चलता है उसे सफलता के शिखरों पर बैठना निश्चित है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो अखंड है, सकल ब्रह्मांड में छाया हुआ है, चराचर में तरंगित है, उस तत्व रूप को जो मेरे भीतर प्रकट होकर मुझे साक्षात दर्शन करा दे, उन गुरु को मेरा शत शत नमन है। अर्थात वही संपूर्ण गुरु है। दैट्स व्हाई द ग्रेट कबीर सेड, गुरु एंड गॉड बोथ अपीयर बिफोर मी, टू हुम शुड आई प्रोस्ट्रेट, आई बो बिफोर गुरु हु इंट्रोड्यूस गॉड टू मी। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जीवन के घोर अंधेरों में जो प्रकाश बनकर आया है, हर लेता है वो दुख सारे, खुशियों की फसल उगाता है, न कोई लालच करता है, बस अच्छाई का सबक सिखाता है। सागर जैसा ज्ञान से भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है। धन्यवाद।